हैप्पी होली। रॉक का ये जो नया कलर इसने किया है, ये कैसा लग रहा है? Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबके क्या हाल चाल है? फटाफट कमेंट करके बता दो। जब से मैं आया हूँ सिक्किम से, तब जाके मैं अभी फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ जयगांव से। और अभी तक आपने अगर सिक्किम वाला व्लॉग नहीं देखा तो फटाफट जाके चेकआउट करो और मुझे कमेंट करके बताना सिक्किम वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगा एडिट से लेकर शूट तक में। सो अभी भी मैं पूरा फ्रेश हो गया रहा हूँ। जब मैं सिक्किम में था तो बहुत सारा सामान जो है डिलीवरी हुआ था, मैंने काफी कुछ ऑर्डर भी किया था, काफी कुछ कंपनी की तरफ से भी आए थे, तो फटाफट वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आराम से करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो पता है अंदर क्या है। एक्चुअली ये वाला जो टी शर्ट है वो मुझे सिक्किम में पहना था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, बट ये डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग गया। और जिन लोगों को नहीं पता, ये मैंने जीत का टी शर्ट मंगवाया है जो कि प्रसाद दादा का खुद का है। तो अगर आप उनमें से अगर कोई उनका फॉलोअर है तो एकदम मस्त स्क्रीन शॉट करके उनको आप टैग कर सकते हो। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला टी शर्ट है एंड लार्ज साइज का मैंने ये मंगवाया हुआ है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से लग रहा है टी शर्ट, और फिटिंग वगैरह काफी अच्छा है। मैंने सोचा था लार्ज साइज मंगाऊं कि मीडियम मंगाऊं, तो मैंने लार्ज मंगवाया एंड मेरे को काफी अच्छा फिटिंग हो रहा है। जो मटेरियल है वो भी काफी अच्छा लगा। मैं लगभग ना एक साल से सोच रहा था कि मैं टी शर्ट लूंगा बट मैं ले नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली मैंने यहाँ पे प्रसाद दादा का जो जीत टी शर्ट है ब्रांडिंग वो मैंने ले लिया। तो भाई जीत तो है, यूट्यूब पे कुछ कर दिखाने का उसके लिए भाई टी शर्ट भी होगी जीत का। एंड आज मैंने मेन चैनल जो है मेरा टेक की अनबॉक्सिंग, उसके लिए मैंने एक स्मार्टफोन लिया जहाँ पे मैं पबजी रिव्यू वगैरह मैं करके दिखाऊंगा ये फोन में कैसा होता है नहीं होता है। तो इस फोन को मैंने खुद का पैसा परचेस किया और ये लगभग मुझे पड़ गया 11,000 रुपीज, मतलब 100-200 रुपये मेरे को कम पड़ा। भाई फोन किधर गया, एक मिनट भाई, फोन यहाँ पे, फोन को मैंने चार्ज में लगाया था, मैं वही सोचा फोन किधर गया। यहाँ चार्जर और ये डाटा केबल वगैरह है। फोन को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे पबजी वगैरह भी देखो मैं टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ। ये 11,000 का फटका पड़ गया। और ये तो सिक्किम जब गया था तभी मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था 500। तो आज देख सकते हो काफी अच्छा खासा झटका हमें लग चुका है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं फुल इस तरीके से रेडी हो चुका हूँ, जैकेट वैकेट लगा लिया। और अभी रॉक का फोन आया तो वो बाहर आ रहा है, तो फटाफट मैं बाहर जाता हूँ। रॉक बाहर है, मैंने आवाज सुन लिया, ठीक है। अरे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। और अभी हम लोग जा रहे सीधा केक लेने के लिए, केक लेने के लिए। और अभी तक मैंने बताया नहीं ऑडियंस को एक्चुअली है क्या आज में, आज में बर्थडे। किसका बर्थडे, किसका बर्थडे है आप बताओ? क्या बर्थडे? मेरा छोटा भाई का बर्थडे है। तो रॉक का छोटा भाई का बर्थडे है और आज फुल एंजॉय करने वाले हम लोग, सब बिग फैन सर। One selfie sir, please selfie selfie selfie. Sir one selfie sir. Selfie. कल में हम लोग ने क्लासिक में केक का ऑर्डर दिया था बटर स्कॉच 2 pound का ना, तो वो अभी हम लोग लेने के लिए आए। यहाँ से हम लोग फिर डायरेक्ट जाएंगे रॉक के घर पे। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि रॉक का ये जो नया कलर इसने किया हुआ ये कैसा लग रहा है, सच सच बताओ, सच सच बताना गाइस ये कलर कैसा लग रहा है। ठीक है, हमारा प्रेम है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो जीत लिखा हो जो कि बहुत सही लग रहा है मुझ पे। और आपका भाई हैंडसम लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी जरा बता दो कमेंट करके फटाफट। हुन्छ 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 अरे उदै जाने उदै जाने खाली बिगड्छ। तो हम लोग यहाँ से सारा चीज ले चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं पीस आउट कर लेंगे उसके बाद फिर। अब तो डायरेक्ट जाना है ना, अब डायरेक्ट जाना, अब कहीं पे नहीं रुकना है हम लोगों को। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever. Nasna, bhai. Nasna. मेरे को नहीं आता है, कसम से नहीं आता है, तेरे को आता है। कसम से नहीं, मैंने पहले बोला था डांस का डी नहीं आता है मेरे को। तो मेरे को भी आता है डी। हाँ ये है ना, देख देखो ना,
सो गाइस यहाँ पे हम लोग भाई बहुत मजा आया, इंजॉय किया यहाँ पे। रॉक का मम्मी ने मस्त मस्त तरीके से खाना वाना खिला के हम लोग का पेट भर दिया हम सभी लोगों का। और भाई आज इतना ज्यादा मजा आया, किस किस को मजा आया, बहुत मजा आया, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही आ गया, थोड़ा ज्यादा ही आ गया। हम लोग ने डांस वेंस भी किया, खाना भी खाया और बहुत मजा आया आज के दिन में। 10 बार फोर्स करने के बाद ये डांस किया है। एक्चुअली मेरे को आता नहीं है डांस का डी, तो उसे मैंने हम लोग का आता है अरे, बट फिर भी यार मैंने कभी किया नहीं, बट हाँ आज मैं थोड़ा सा किया मैं करके वो देख इस ब्लॉग का हम लाइक टारगेट रखते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ लाइक टारगेट रखते हैं, प्लीज कम्प्लीट कर देना। और मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। Break it now, yeah she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home on my own.